हेलो फ्रेंड, आप लोग का स्वागत है हमारे फिर से एक नए ब्लॉग में। और आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही खास जगह लेकर आया हूँ। पटना का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है शक्तिपीठ मंदिर, जो कि आप लोग थंबनेल देख के पता चल गया होगा। तो इस तो आज हम लोग यहीं पे जाएंगे एक्सप्लोर करने के लिए, और वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और अभी मैं आप लोग को यहाँ का लोकेशन के बारे में बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे कैसे आना है। तो अभी मैं अशोक राजपत रोड के पास में हूँ, और आप लोग देख सकते हैं कि इधर गाय घाट का रूट है, और इधर से पश्चिम दरवाजा का रूट है, जो आप लोग यहाँ से महज बीच में आप आ सकते हैं। और पश्चिम दरवाजा से यहाँ से 200-300 मीटर की दूरी पर है, और गाय घाट से भी दोनों के मतलब बीच का डिफरेंस है। और आप जब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपको बड़ा सा गेट दिखने को मिलेगा, बड़ी पटन देवी मंदिर का जो गेट है आप देख सकते हैं यहाँ पे, शक्तिपीठ श्री बड़ी पटन देवी मंदिर यहाँ पे लिखा हुआ है, और काफ़ी बड़ा सा गेट है यहाँ पे, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं। और पूरा रोड पे आप लोग को मधुबनी का जो है यहाँ पे मधुबनी का पेंटिंग किया हुआ दिखेगा, तो आप लोग देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत तरीके से बनाया गया है यहाँ पे पेंटिंग। बड़ा सा गेट है, इसके अंदर से हम लोग प्रवेश करते हुए जाएंगे, और यहाँ से मात्र 2 से 3 मिनट का पैदल वे है जो कि मंदिर के पास जाता है। तो आइए हम लोग पैदल चलते हैं माता रानी के मंदिर के पास में। तो फ्रेंड्स, अभी मैं मंदिर के कैंपस के पास आ गया हूं, और आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे कितना ही खूबसूरत मंदिर बना हुआ है, और माता का प्रतिमा भी बना हुआ है महादेव का। आप लोग देख सकते हैं यहां पे महादेव शंकर जी गोदी, महादेव सती माता को गोदी में उठाए हुए हैं, और बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा यहाँ पर प्रतिमा बना हुआ है। और यहाँ की मैं लोकेशन की बात करूँ तो यहाँ पर आने के लिए 2 रास्ते हैं यहाँ से। एक अशोक राजपथ का रोड है जिस रास्ते से मैं आया हूँ, मैं आप लोग को दिखा, ये रास्ता अशोक राजपथ रोड से आता है, और एक दूसरा रास्ता है जो मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। तो आप दूसरा रास्ता देख सकते हैं यहाँ पे, पटना सिटी और पटना जंक्शन के साइड से गुलजारबाग होते हुए आप लोग मार्केट के साइड से आप लोग इधर से आ सकते हैं, और ये दूसरा रास्ता है यहाँ पे आने का। तो आइए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे माता का मंदिर है, और यहाँ पे वीडियो कैमरा करना अलाउ नहीं है, फिर भी मैं आप लोग को बाहर का जो एरिया है मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। यहाँ पे मंदिर काफी खूबसूरत बना हुआ है, और इस मंदिर के इतिहास के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे माता का दाहिना जांग गिरा था पट के साथ, और इसी कारण इस शहर का नाम पाटलिपुत्र से फिर पटना रखा गया है। इस मंदिर को माता सर्वानंदकारी मंदिर भी बोला जाता है। पूरे भारत में 51 शक्तिपीठ मंदिर है, और ये मंदिर 37वें नंबर पे काउंट किया जाता है। और इस मंदिर को नगर रक्षिका के नाम से भी जाना जाता है, बड़ी पटन देवी मंदिर। यहाँ पे सभी दर्शनार्थियों के लिए पानी का व्यवस्था किया गया है, काफ़ी अच्छा व्यवस्था यहाँ पे किया गया है गोर हाथ धोने के लिए, और ठंडा ठंडा पानी भी मिल जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे दर्शनार्थी हैं जो पूजा करके माता के शरण में बैठे हुए हैं, और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं दुर्गा माता का जो सवारी है शेर, यहाँ पर इनकी पूजा किया गया है।
और इस हवन कुंड का एक अपना ही महत्व है। यहाँ पे कहा जाता है कि यहाँ पे जितना भी हवन होता है, इस हवन यहाँ पे जो हवन होता है यहाँ पे कभी हवन भरता नहीं है। नवरात्रा में आप जब भी आएंगे यहाँ पे तो ये हवन काफ़ी ऊंचा तक उठा हुआ रहता है और सारा हवन जो है वो जलकर अंदर ही अपने आप चला जाता है और इससे कभी भी जो राख होता है हवन का वो कभी निकाला नहीं जाता है। तो ये अपना ही एक अलग महत्व है इस हवन का यहाँ पे। और मैं आप लोग को सामने दिखाता हूँ, तो ये माता का गर्भगृह है जो अभी बन रहा है और इसमें अभी काफ़ी टाइम लगेगा बनने में। तो यहाँ से माता को जो है स्थापित किया गया है उस जगह पे, आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे विराजमान है यहाँ पे, तो वहाँ पे स्थापित किया गया है। और जब ये बन के तैयार हो जाएगा तो मैं आप लोग को दिखाऊँगा अच्छे से। आइए हम चलते हैं मंदिर के ऊपर का व्यू कुछ लेते हैं और देखते हैं कि कैसा मंदिर बन रहा है। और उससे पहले हम लोग कुछ लोगों से बात करके देखते हैं कि यहाँ पे लोग आप लोग बताइए कि यहाँ पे आने के बाद कैसा फील हो रहा है यहाँ पे। अच्छा लग रहा है, मन को शांति महसूस। अच्छा लग रहा है, मन को शांति महसूस हो रहा है। मतलब पहली बार आ रहा है कि और भी पहले आया है? इससे पहले और भी पहले आया है, शादी के बाद पहली बार। जी, शादी के बाद पहली बार आ रहे हैं। तो कहा जाता है कि यहाँ पे जो भी लोग आते हैं सच्चे मन से उनकी सभी मनोकामनाएं जो है पूर्ण हो जाती है। तो आप लोग चलते हैं अभी हम ऊपर की ओर। तो अभी हम आ गए हैं मंदिर के ऊपर की ओर, तो हम सोचे कि थोड़ा सा अच्छा व्यू मिल जाएगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे अभी चारों तरफ से अभी बन रहा है तो कोई खास व्यू तो अभी यहाँ पे मिलने से रहा। तो फ्रेंड, वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर से एक नए ब्लॉग में नए खास जगह पे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय माता दी।